हेलो दोस्तों, आज हमारे सामने है TVS जुपिटर 125 CC 2022 मॉडल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके प्राइस, माइलेज, टॉप फीचर्स जो भी इसमें ऐड हुए हैं, टॉप स्पीड और भी बहुत कुछ। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं TVS आती थी 110 CC में, जो कि अब कंपनी ने चेंजेस किए हैं, इसको एडवांस किया है, 125 CC में लॉन्च किया है। और क्या खास फीचर्स इसमें ऐड किए हैं उसकी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसको जो टक्कर देते हैं इस सेगमेंट में जो स्कूटर्स हैं अवेलेबल हैं। सबसे पहले है TVS का ही एंटॉर्क, उसके बाद आता है सुजुकी का एक्सेस, उसके बाद आता है होंडा एक्टिव लुक जुपिटर 125 CC 2022 का। यहाँ पर आपको मिल जाता है पावरफुल स्प्लिट LED हेडलैम्प लो बीम हाई बीम के साथ। ऊपर की साइड में आपको ब्लैक कलर का वाइजर मिल जाएगा, साइड में आपको क्रोम का काम मिलेगा, क्रोम की फिनिशिंग। यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रंट साइड TVS का 3D में लोगो। यहाँ पे आपको मिल जाएगी नंबर प्लेट के लिए स्पेस, और ये प्लास्टिक का सेक्शन है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे आपको क्रोम DRL डे टाइम रनिंग लाइट, नीचे भी क्रोम मिलेगा आपको। अभी इसको हम ऑन करके देखते हैं आपकी DRL कैसी जलती है, ओवरऑल इसका लुक कैसे आता है। ये चाबी ऑन करने पे आपको इस तरह से लुक मिलेगा DRL का। जुपिटर 125 CC में काफ़ी अच्छा फीचर ऐड हुआ है। यहाँ पे मिलेगा आपको रिफ्लेक्टर, 17 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं आपको डायमंड कट, क्रोम की फिनिशिंग के साथ में। इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिस्क ब्रेक, पीछे के साथ में मिल जाएगा आपको ड्रम ब्रेक, एडवांस हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है जो आपकी राइड को स्मूथ बनाता है। देखते हैं अब इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ से ऑन करेंगे की और देखेंगे इसकी हेडलैम्प की थ्रो कैसा है। ये है कुछ इस तरह से लो बीम हाई बीम हेडलैम्प। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्रेक लॉक कर सकते हैं अब यहाँ पे इस तरह से। अभी हम इसको पुश करेंगे देन ये रिलीज हो जाएगा, रिलीज हो गया। इस साइड में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, यहाँ पे नॉर्मल है। यहाँ पे आपको क्रोम के साथ मिल जाते हैं इसके मिरर्स। फ्रंट से बैठ के देखते हैं इसमें कुछ कितना स्पेस, मैं 6 फीट की हाइट है मेरी, तो यहाँ पे मुझे सफिशियंट स्पेस मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बैठने में। फ्रंट से कुछ ऐसे देखने को मिलता है TVS जुपिटर, ये हाई बीम लो बीम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे इंजन कट ऑफ स्विच, यहाँ पे सेल्फ, यहाँ पे हॉर्न, और ये है इंडिकेटर्स का स्विच। यहाँ से हम की ऑन करके देखेंगे, ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें आपको मिल जाते हैं हेलमेट इंडिकेटर, कुछ सेकंड्स के लिए ब्लिंक होता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्यूल गेज, यहाँ पे लो पेट्रोल, चेक इंजन लाइट, टर्न इंडिकेटर, हेडलैम्प, टाइम डिजिटल क्लॉक इंडिकेटर, लो बैटरी, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, साइड स्टैंड, क्रोम की फिनिशिंग। यहाँ पे आपको वाइजर जो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, ये गैप्स यहाँ पे शो होते हैं, दोनों ही साइड होते हैं, जो कि अच्छा नहीं लग रहा देखने में। बात करते हैं इसके नीचे की साइड में क्या किया है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नीचे की साइड में फ्यूल फिलअप कैप, यहाँ से लाइट में आपको इसको प्रेस करेंगे ये खुल जाएगा। 5 लीटर का इसका टैंक है, प्योर पेट्रोल टैंक, इस तरह से बंद हो जाएगा वन पुश में।
यहीं से आप लेफ़्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको डिग्गी ओपन हो जाएगी। सीट यहाँ पे एक हुक दे रखा है जो कि 3 किलो तक का वेट यहाँ पे आप लटका सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए इसकी डिग्गी ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है 33 लीटर का स्पेस स्टोरेज, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, 2 हेलमेट आराम से इसमें आ सकते हैं। इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्टोरेज मिलती है जुपिटर 125cc में, 790 mm की सीट है इसकी, काफ़ी लंबी सीट है। यहाँ पे मिलता है आपको फ्यूल टैंक नीचे की साइड में, जो कि बहुत अच्छी बात है, स्पेस बहुत ज़्यादा बच जाता है इससे। यह है फुटरेस्ट, क्रोम की फिनिशिंग, यहाँ पे आपकी प्लास्टिक की सीट, अच्छा फैब्रिक है सीट का, काफ़ी कंफर्टेबल है। जुपिटर का लोगो 3D में 125cc, यहाँ पे ग्रैपनल मिल जाती है आपको, काफ़ी बड़ी सी, कंफर्टेबली बैठ सकते हैं आप पीछे से पकड़ के भी, 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं जुपिटर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलता है आपको सस्पेंशन ये मोटर, यहाँ पे आपको एयर फिल्टर मिल जाएगा, 3-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है, यहाँ पे 17 इंच का टायर मिलता है, ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं पीछे की साइड में। ये साइड स्टैंड अगर आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर में आपको आवाज़ आती है, सायरन एक होता है, यह कुछ इस तरह का लुक। सेम ही इधर भी लोगो मिलेगा आपको जुपिटर का 125cc लिखा हुआ। तो ये था जुपिटर, इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 1,07,000 के ऑन रोड आपको ये पड़ेगी रैली में। पीछे से देखें तो TVS का लोगो और यहाँ पे रिफ्लेक्टर, ये है इसकी LED टेल लैम्प, हाइड्रोजन इंडिकेटर बल्ब के साथ आती है पीछे, काफ़ी बड़ी टेल लैम्प है। यहाँ पे नीचे की साइड देखेंगे रिफ्लेक्टर मिलता है और नंबर प्लेट के लिए एक लाइट मिलती है, काफ़ी अच्छा लुक आता है पीछे से भी जुपिटर का। तो ये थी जुपिटर और स्पेसिफिकेशंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।